हेलो एवरीवन दिस इज लेक्चर टू ऑफ पॉलिटी पेटे थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फोर सबसे पहले वी विल सॉल्व सम एमसीक्यू रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास दैट इज फ्रॉम लेक्चर वन एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस आर्टिकल दैट इज एन एक्ट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ डेली अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी सो लेट सी दी क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज द इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी इंपॉर्टेंट तो हमने कल देखा था कल की न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस हियर इज द केस ऑल इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया जुडिशियरी स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इट मीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी डिसाइड केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरपिटेशन दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन का राइट ओनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को दिस पावर इज नॉट बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशियर सेकंड स्टेटमेंट इट डिसाइड केसेस दैट आर रिलेटेड टू फेडरल मैटर मैटरल फेडरल मैटर इज फेडरल मैटर डिस्कशन इज हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टांस फॉर दिस सिटीजन इन मोस्ट ऑफ केसेस ये बिल्कुल सही है कि मोस्ट जनरल केस में आप ये देखते हैं कि पहली बार जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड फोर्थ वन इज इट हैज द पावर टू इशू रीड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी राइट्स सो ऑल्सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यू नो दैट दिस राइट इज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट सो इट्स आंसर इज वनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट इज इट इज द फर्स्ट कोर्ट ऑफ इंस्टांस फॉर द सिटीजन इन द मोस्ट केसेज दैट इज ऑप्शन नंबर वन वनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट Next question is, its answer is A. Next question is, what did the court establish about the relationship between fundamental rights and DPSP in the case 1 and Bharati case? So, let's recap in few seconds whatever we have studied in previous class, that is, in the evolution of basic structure doctrine, we have seen that. Before Golaknath case, Supreme Court's view that in the case of um, Kamiswar Prasad Singh, एंड चंपकम दोयराजन संकड़ी प्रसाद केस इन ऑल इट्स प्रीवियस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से इज दैट यस इफ पार्लियामेंट वॉन्ट देन दे कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टन डी पी एस पी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बिकॉज क्या था कि इन द वन हैंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें सर्टन फंडामेंटल राइट देता है लाइक राइट टू इक्वेलिटी लाइक उस समय हमारे पास फंडामेंटल राइट right था राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी बट वो उसकी वजह से गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम नहीं ला पा रहा था लाइक टू रिमूव दी एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी गवर्नमेंट क्या चाह रहा था क्या जिसके पास एक्सेस लैंड है उसकी लैंड को लेके गरीब में बांटना सो so, इसके लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की लॉ इंट्रोड्यूस किया बट सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को ख़त्म किया और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप ऑर्डिनरी लॉ से जो है आप फंडामेंटल राइट right को टेक अवे नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना होगा सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

सुप्रीम कोर्ट से कि वो सभी प्रोविजन्स जिसके बेसिस पे हमारा जो है डेमोक्रेसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है दैट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर सो हमने क्या देखा कि हम केसवानंद भारती ने जो भी इससे पहले गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था वेदर इट इज आर्टिकल थर्टीन फोर वेदर इट इज आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट थ्री और थर्टी वन सी इन सभी आर्टिकल को जो है वैलिड किया और तो इसका मतलब है क्या कि राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम चाह रही थी वो चीज़ गवर्नमेंट ने किया मतलब सर्टेन डी पी एस पी को इम्प्लीमेंट किया ओवर दी फंडामेंटल राइट तो यदि मैं आम भाषा में बिल्कुल एक लाइन में बोलूँ तो इसका सिंपल सा मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है यदि किसी सर्टेन पर्सन का फंडामेंटल राइट टेक अवे होता है उसका फंडामेंटल राइट right लेना होता है तो ठीक है आप ले लीजिए यदि इससे क्या हो रहा है कि कुछ लार्ज पर्सन ऑफ का बेनिफिट हो रहा है सो इट इज़ ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि फंडामेंटल राइट कैन गिव वे दी डी पी एस पी इन समर्कमटांस ऑब्वियसलीसेंट करेक्ट कि हाँ हम कुछ फंडामेंटल डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट right को टेक अवे कर सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट देन आफ्टर ओनली वन ऑप्शन ही करेक्ट है तो उसके बाद तो सारी स्टेटमेंट गलत ही होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनेक्टेड इन रिस्पॉन्स टू केशवानंद भारती केस सो so, क्या हुआ जब केशवानंद भारती केस आ गया सो इट्स जजमेंट केम इन नाइनटीन सेवेंटी थ्री एज यू कैन सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री में जो है केशवानंद भारती का जजमेंट आता है सो वेर सेवनटी थ्री में केशवानंद भारती का जजमेंट आता है और कुछ ऐसी सरकम थी बिकॉज इस समय इंदिरा गांधी अपने पावर के हेल्थ पे थी सुपर पावर में थी और सर्टेन केसेस यू हैव हर्ड दैट लाइक इन 1975 जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो लोकसभा चुनाव था उसको भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए जाने के कारण उसको uh, इलीगल करार दे दिया और उसको बोला कि आपको रिजाइन देना पड़ेगा सो दैट्स वाय ये सब चीज़ फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसे कहते हैं क्या जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है आप प्राइम मिनिस्टर रह है सकते हैं और उसी बीच 1975 में इमरजेंसी uh, भी इंट्रोड्यूस हो चुका था 1975 टू 1977 सो इन दिस पीरियड इंदिरा गांधी ने मतलब कुछ ऐसी ड्रैकोनियन प्रोविजंस इनकॉर्पोरेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट विल बी नोन एज दी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं और इसमें से जो भी केशवानंद भारती ने जैसे कि पार्लियामेंट के पावर को संकीर्ण किया था पार्लियामेंट के पावर को आ, मतलब एक लिमिटेड कर दिया कि उसने उसे क्या बोला गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को छू नहीं सकते हैं सो so, तो उस चीज़ को बदलने के लिए इंदिरा गांधी फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और इसी अमेंडमेंट में उन्होंने दो प्रोविजंस डाला दैट इज़ इन द आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट फोर एंड आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट फाइव दोनों का सिंपल सा बहुत ईजी इसमें कहना यह था आर्टिकल थ्री सिक्सटी एट फोर टॉक्स अबाउट कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेल बी कॉल्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ मतलब आप जो है यदि मान लो गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है तो उसे जो है कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब जुडिशियरी के सामने uh, नहीं लाया जा सकता दैट इट मीन्स दैट इज बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू एंड थ्री सिक्सटी एट फाइव में ये प्रोविजन था कि देर सेल बी नो लिमिटेशन दावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड दूशन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं बट यू हैव टू फॉलो देशिक स्ट्रक्चर बट इस अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने कहा कि देयर इज नो एनी लिमिटेशन टू दार्लियामेंट टू फॉलो ऑन दस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मुझे जो मन में होगा मैं उस चीज को अमेंड कर सकती हूँ सो so, तो क्वेश्चन ये है कि इन रिस्पॉन्स टू भारती केस कौन-कौन सी प्रोविजन को इनकॉर्पोरेट किया गया किस प्रोविजन को इनेक्ट किया गया सो आंसर इज इट इजी से थ्री सो दिस टूडेज एम सी क्यू नाउ वी विल मूव टू आवर आर्टिकल डिस्कशन तो लेट्स स्टार्ट देखो फर्स्ट आर्टिकल है इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ सॉरी ये तो हम लोगों ने कवर कर लिया था सो आफ्टर दैट देर इज नेक्स्ट आर्टिकल इज एन सी टी डी अमेंडमेंट एक्ट दैट इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ट्वेंटी ये पूरी आर्टिकल में जो भी चीज है वेदर इट इज कंपोजिशन ऑफ एन सी सी एस ए और वेदर इट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट और हाउ टू बिकम दिल्ली एज अ स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी इन सभी चीज़ को हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट में और सभी इन्फॉर्मेशन इसी फिफ्टी थ्री सिक्सटी फाइव की है सो यू डोंट हैव टू वरी टू मेक फर्दर एक्स्ट्रा नोट्स एवरी थिंग यू कैन मार्क इन योर करंट अफेयर्स पेपर इट की हमने आर्टिकल में बात किया था कि वेन क्लिमेंट एटली डिसाइडेड टू ट्रांसफर द पावर टू इंडिया सो माउंट बेटन केम टू इंडिया एंड दे लॉन्च थर्ड जून प्लान दैट इज ऑल्सो नोन एज माउंट बेटन प्लान उस प्लान में पार्टीशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्सेप्टेड किया गया और जो ब्रिटिश प्रोविंस था उस ब्रिटिश प्रोविंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया वन पार्ट गो विथ इंडिया एंड अनदर पार्ट लाइक वेस्ट पंजाब ईस्ट बंगाल एन डब्ल्यू एफ पी दे ऑल यूनाइटेड टू बिकेम पाकिस्तान एंड हमने प्रिंसली स्टेट को ये ऑप्शन दिया था कि यू कैन आइदर रिमेन फ्री और गो विथ इंडिया और गो विथ पाकिस्तान सो नाइनटीन फोर्टी सेवन में क्या स्टेटस था वन इज़ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड सिक्स हंड्रेड प्लस स्टेट्स एंड देन केम द दीजेंडरी पर्सन सरदार वल्लभ भाई पटेल उसने इन सारे स्टेट्स को यूनिफाई किया एंड टिल द नाइनटीन फिफ्टी एट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन सारे स्टेट्स को मिला के हम इसे कंप्लीट कंबाइन किए ट्वेंटी नाइन स्टेट में एंड दिस ट्वेंटी नाइन स्टेट को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के चार ग्रुप में रखा फर्स्ट ग्रुप केम अंडर दार्ट सिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से वो सभी स्टेट थे जो कि पहले ब्रिटिश प्रोविंस था देअ नंबर इज टोटल नाइन लाइक बेंगाल बॉम्बे मद्रास यूपी बिहार सेकेंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ लार्ज प्रिंसली स्टेट जो बड़े बड़े राजा महाराजा का जो जागीर था जो उसका जो प्रिंसली स्टेट था दैट कम्स इन पार्ट सेवन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसकी संख्या भी सेम नाइन थी एग्जाम्पल जे एंड के हैदराबाद त्रावनकोड़ ये सभी स्टेट को हमने पार्ट सेवन में रखा पार्ट एट में हमने छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स को रखा लाइक like दिल्ली कुर्ग ये सभी पार्ट एट ऑफ स्टेट था एंड पार्ट नाइन में हमने सिर्फ एक स्टेट को रखा था दैट इज़ नोन एज अंडमान एंड निकोबार बट प्रॉब्लम्स ये थी कि हमने जो इस हमारे पास टोटल ऑलमोस्ट 700 स्टेट्स टू तो 29 स्टेट्स में जो हम कन्वर्ट हुए ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं था सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस देर इज ग्रेट डिमांड इमर्ज फ्रॉम नुक एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया कि हमें जो है लैंग्वेज के आधार पे अपना स्टेट चाहिए सो so, बहुत से रीजनल लीडर इसके लिए प्रोटेस्ट करने लगे और उनमें से फेमस थे एक पोटी श्री रामल्लू जिन्होंने कि 56 डेज हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखा था और आफ्टर दैट दैट उसका उनका डेथ हो जाता है और इसके बाद जो है फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो आंध्र प्रदेश बी द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और जब आंध्र प्रदेश को क्रिएट किया गया तो इससे और सारे स्टेट्स स्टेट्स uh, के जो पीपल थे वो इंस्पायर्ड हुए कि मुझे भी जो है अपना लैंग्वेज के बेसिस पे अपना स्टेट चाहिए सो देन आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड और इस्टेब्लिश मैनी इस्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड दिसंबर नाइनटीन फिफ्टी थ्री फज़ल अली कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि ये जो फोर फोल्ड क्लासीफिकेशन ऑफ स्टेट था उसे डिलीट किया जाए उसे ख़त्म किया जाए और फजल अली आयोग ने यह भी कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट की यदि फार्मूला अपनाने लगे हमें इंडिया में तो देर विल बी बालकनाइजेशन ऑफ कंट्री एंड देर देर विल बी थाउजेंड्स ऑफ स्टेट इन वन इंडिया सो इस फार्मूला को उसने वन लैंग्वेज वन स्टेट का फार्मूला रिजेक्ट किया एंड फोर्थ फोल्ड क्लासिफिकेशन को भी रिजेक्ट किया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली कमेटी डिलेटेड पार्ट सेवन एंड पार्ट नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट सेवन स्टिल आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वैकेंट है खाली है हमने जो पार्ट सेवन में जो जितने भी स्टेट थे उन सभी को हमने पार्ट सिक्स में डाल दिया

कहानी इसके बाद कुछ समय तक स्मूथली इस तरह से चलती रही एंड नाइन्टीज के दशक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्ड अ एस बालाकृष्णन कमेटी और एस बालाकृष्णन कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि हमें दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देना चाहिए सो टू इनकॉर्पोरेट रिकमेंडेशंस ऑफ एस बालाकृष्णन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड सिक्सटी नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इंसर्ट किया आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल ए यह टू थ्री टू थ्री नाइन डबल ए में हमने ये प्रोविजन्स डाला कि नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ डेली एन सी टी विल हैव वन एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सिमिलर टू गवर्नर ऑफ स्टेट एल जी के पास ये पावर होगा कि एल जी हैज़ टू परफॉर्म ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे कि स्टेट में गवर्नर हैज़ टू परफॉर्म ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेम मैनर दिल्ली में एल जी हैज़ टू परफॉर्म ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सपोज दैट यदि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो विथ रिस्पेक्ट टू तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एल जी सपोज करो कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं ए होगा और एल जी साहब कहते हैं बी होगा तो ऐसे केस में एल साहब इस मैटर को प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे और प्रेसिडेंट साहब जो निर्णय लेंगे दैट विल बी फाइनल दैट इज ऑन द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मैटर गोज टू तो प्रेसिडेंट ये प्रोविजन हमने मेंशन किया आर्टिकल टू थ्री नाइन डबल ए आफ्टर दैट दिल्ली विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली और इस लेजिस्लेटिव असेंबली को वही पावर होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी स्टेट में होता है दैट इज वो किसी भी सब्जेक्ट पे दैट बिलोंग्स टू स्टेट लिस्ट ऑब्वियसली बात है स्टेट जो है स्टेट लिस्ट पे सब कानून बनाती है सो so, दिल्ली को भी ये अधिकार मिला कि आप होल और एनी पार्ट ऑफ एन दिल्ली के लिए आप कोई भी कानून बना सकते हैं बट 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 आपको ये तीन चीज पे आप कानून नहीं बना सकते हैं इज़ नोन एज पुलिस पब्लिक ऑर्डर लैंड बिकॉज यू नो दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सो ये काफ़ी सेंसिटिव जगह है सो so, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर और लैंड के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका अधिकार रहेगा एंड रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स जो कि बिलोंग करता है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट इस पर दिल्ली गवर्नमेंट कानून बना सकती है बट इस एक्ट में और हम कह सकते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ लुप था वो लुप था ऑन द मैटर ऑफ सर्विसेस सर्विसेस लाइक की मान लो कि हु विल अपॉइंट दी प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डेली इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं थी बट इस चीज़ से उस समय कोई अधिक परेशानी नहीं थी गवर्नेंस स्मूथली ही चल रहा था बट मेन प्रॉब्लम तब इमर्ज होके आया जब 2015 में आम आदमी पार्टी ह्यूज मेजोरिटी के साथ दिल्ली लेजिस्लेटिव असम्बली में आता है सो so, यहाँ से प्रॉब्लम इमर्ज होना स्टार्ट होता है बिकॉज यू नो दैट एल और वेदर इट इज गवर्नर दे आर अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट जस्ट बीजेपी को हरा के यहाँ पे आई थी सो ऑन द डेली बेसिस पे क्या हो रहा था इसके बाद जो है डेली का वो लड़ाई झगड़ा का घर बन चुका था मतलब ऑन सब ऐसा था कि रूटीन अफेयर्स के लिए भी हर मैटर को एल साहब कहाँ भेज रहे थे प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे एंड बोथ द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड एल जी हैब्बीन इन द लीगल बैटर सिंस 2015 ओवर द कंट्रोल ऑफ सर्विस सर्विस के मैटर पे और ज़्यादा तुल पकड़ा और दे वेंट टू स्पेशली आम आदमी पार्टी वेंट टू तो सुप्रीम कोर्ट और बोला कि महाराज बचाइए हमें हमें तो कुछ काम करने ही को नहीं दिया जा रहा है सो बट ट्वेंटी में मेजर आउटकम्स नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के तहत से एंड सुप्रीम कोर्ट की इवेंट स्प्लिट विक्ट बट मेन आउटकम्स ऑफ दिस बैटल केम इन द ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दैट विल बी फ्रॉम फोर फाइव जज बेंच और सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड मोर पावर टू दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑब्वियस ये बात है दिल्ली गवर्नमेंट इज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट विच एस रिसीव पावर फ्रॉम पीपल सो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर होना चाहिए एंड सुप्रीम कोर्ट सेड सर्विसेस आर सब्जेक्ट अंडर दवर्नमेंट ऑफ डेली इस बात से जबरदस्त मिर्ची लगी सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड रातों रात क्या हुआ गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस जारी करके जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको बदल दिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्विसेस आर बिलोंग टू दिल्ली गवर्नमेंट तो ऑर्डिनेंस में ये बोला कि इट एक्सक्लूड सर्विसेज फ्रॉम दर्व्यू ऑफ दिल्ली लेजिस्लेश ऑर्डिनेंस तो ऑर्डिनेंस को आपको लॉ के रूप में यदि आप उसको परमानेंट रखना है तो आपको इसके लिए एक्ट बनाना होगा सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस जी एन अमेंडमेंट एक्ट और इसमें वही प्रोविजन था बस इसको ऑर्डिनेंस की जगह ये एक्ट बन गया और इसमें सेम प्रोविजन था कि सर्विसेज को दिल्ली गवर्नमेंट से हटा के फिर से एलजी के पास ट्रांसफर कर दिया गया एक मेजर इसमें जो सबसे बड़ा आउटकम इससे निकला हालांकि बड़ा नहीं है बट मे बी एग्जाम यहां से पूछ सकता है सो दिस अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड और क्रिएट अ अथॉरिटी और उस अथॉरिटी का नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी दैट इज नोन एज एन इस आर्टिकल में इन्हीं एन का पूरा प्रोविजंस मैंसन है सो so, क्या ये अथॉरिटी क्या करेगी देखो यही है अथॉरिटी अथॉरिटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का अथॉरिटी होगा जिसमें कि टोटल थ्री मेंबर्स होंगे वन इज़ चीफ मिनिस्टर सेकेंड वन इज़ प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज़ चीफ सेक्रेटरी इन तीनों का काम क्या होगा ये तीनों मिलके किसी मान लो पार्टिकुलर पर्सन का डिसीजन लेंगे चलो इस पर्सन को जो है मे बी प्रिंसिपल सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी बनाना है तो इस पर्सन को बनाने के लिए इन तीनों का क्या होगा तो इन तीनों में वोटिंग होगा वोटिंग होगा और ऑब्बियसली बात है ये थ्री पर्सन है तो टू मिनिमम वोट चाहिए टू एनी पर्सन को रिकमेंड करने के लिए ये अथॉरिटी यहाँ से एनी पर्सन को रिकमेंड करेगी और एल साहब के पास इस चीज़ को भेज दिया जाएगा और एल साहब उसके बाद उस पर डिसीजन लेंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये पूरी की पूरी मुझे तो एक तरह से लगता है कि ये ढकोसला है मतलब कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो बात बराबर है जहाँ पे कि अब समझो इसमें इशूज़ क्या है सबसे फर्स्ट बात है कोडम की थ्री पर्सेंट है यदि टू परसेंट आया तो बात हो जाएगा इसका मतलब है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इस इस अथॉरिटी में प्रेजेंट हो या ना हो फिर भी यदि इसको डिसीजन लेना होगा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को वो डिसीजन ले लेंगे सेकेंड वन इज प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों दो पर्सन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फर्स्ट वन इज़ वन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली सो इसकी कोरम की तो मजाक है यहाँ पे एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्सन टू एल जी उसके बाद भी सोचो मे बी ये तीनों मिलके और मे भी सब अच्छे से बार्गेनिंग करके किसी पार्टिकुलर पर्सन को दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है इन दोनों को मना लिया कि चलो इस पर्सन को रिकमेंड कर दो आ, पार्टिकुलर ऑफिस के लिए बट उसके बाद भी डिस्क्रिप्सन टू एल है एल को डिस्क्रिप्सन है कि ये अथॉरिटी जो भी डिसीजन देके जिस पर्सन को भेज रहा है यदि इसका मन ना करे इसका दिल नहीं करेगा इस इंसान को अपॉइंट करने का तो एल साहब इसे रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज एल साहब हैज़ डिस्क्रिप्सन तो फाइनली एंड फाइनली आप इससे एक चीज़ बस निकाल सकते हैं कि मतलब ऑल दी पावर्स रिलेटेड टू सर्विसेज वेंट टू एल अथॉरिटी तो बस ऐसे ही पेपर पे एक अथॉरिटी है सो so, ओवरऑल हमने डिस्कशन क्या किया सिंपल सी बात है हमने दिल्ली को 1956 में यूटीज़ का दर्जा दिया एंड आफ्टर दैट 1991 में दिल्ली को हमने एक स्पेशल स्टेटस दिया जो कि दिल्ली में लेजिस्लेचर होगा और वहाँ पे सीएम प्लस एलजी साहब रूल करेंगे एंड सम दिल्ली गवर्नमेंट को हमने हर एक चीज पर कानून बनाने का अधिकार दिया बट एक्सेप्ट वनली थ्री पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड पे दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है एंड सर्विसेज रिलेटेड मैटर गोज टू इट सेल्फ अगेन विथ एल जी सो दिस इंडस दिस आर्टिकल सो फाइनली लुक एट सम प्रोविजन फ्रॉम मैगजीन लाइक वी हैव डिस्कस्ड प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को एसेंट दे दिया है उसके बाद ये एक्ट एक अथॉरिटी क्रिएट करता है दैट इज नोन एज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी ये अथॉरिटी का क्या काम है पर्सन को रिकमेंड करना टू दी एल और इस अथॉरिटी की डिसीजन जो ली जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी टोटल थ्री पर्सन है तो मेजोरिटी टू इज टू वन हो सकता है एंड उनमें से टू मेंबर को जो है आउट ऑफ थ्री टू मेंबर विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी उसके बाद कहता है क्या पावर ऑफ एल फर्स्ट पावर कहता है क्या कि मेटर आउटसाइड लेजिस्टिव कॉम्पिटेंस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली आपने देखा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली वो हर सब्जेक्ट पे हर चीज़ पे कानून बना सकती है दैट इज़ इन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर लैंड और पुलिस तो इन तीनों चीज पे सोल डिस्क्रिप्शन एल का है इस मैटर पर दैट इज़ ऑन द पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड सेकेंड वन इज यदि सपोज करो कोई कानून एल को डिस्क्रिप्शन देता है कि आपको उस पर एक्ट करना है सो वहां पर भी एल के पास पूर्ण रूप से पावर है सेकेंड कहता है प्राइमेसी टू एल इस अथॉरिटी में ये जो अथॉरिटी क्रिएट किया गया है इसमें एल को प्राइमेसी मिलता है क्या प्राइमेसी मिलता है जो आपने देखा कि एल को हंड्रेड परसेंट डिस्क्रिप्शन है यदि Uh, ये अथॉरिटी कोई डिसीजन देती है उसके बाद को माने या ना माने ये एलजी पे निर्भर करता है सो एलजी डिसीजन विल बी फाइनल इन केस ऑफ आल्सो इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यदि सपोज करो क्या होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है बिटवीन एन सी सी एस ए एंड एल तो इस केस में एल जी के ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी उसके बाद एक बहुत मेजर इस एक्ट में प्रोविजंस है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आई थिंक ट्रैकोनियन दैट इज डिस्पोजल ऑफ मैटर्स बाय मिनिस्टर तो इसमें यह कहता है क्या कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें कि आपको मस्ट इस चीज को सबमिट करना होगा एल जी को ऐसे कौन से मैटर हैं तो लाइक like कहता है क्या पीस एंड ट्रांक्विलिटी ऑफ डेली सेकेंड कहता है रिलेशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड वन कहता है कि सपोज करो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ डेली को डिजोल्व करना है और प्रोरोग करना है या समन करना है तो सबसे पहले आपको एल से इससे रिलेटेड कंसर्न करना होगा एंड थर्ड वन इज मैटर ऑन विच एल जी इज टू गिव एन ऑर्डर इन हिज सोल डिस्क्रिशन सो ये प्रोविजंस थी एंड आफ्टर दैट एक पॉइंट बस प्रिलिम्स के लिए ये यहाँ पे जानना जरूरी है कि आपको यह पता है दिल्ली लेजिस्लेचर हमने कई बार इस बात की चर्चा की हर कुछ पे कानून बना सकता है एक्सेप्ट पुलिस पब्लिक ऑर्डरलैंड बट एक चीज यहां पे यह जानना जरूरी है कि दिल्ली इस लिस्ट में मतलब स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है दैट इज पार्लियामेंट कैन ले कैन लेजिस्लेट ओवर ऑल मैटर्स इन द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट रिलेटेड टू डेली ये पूरी आर्टिकल थी

अरेस्ट का मतलब होता है अरेस्ट इज ऑलवेज प्यूनिटिव अरेस्ट इज ऑलवेज प्यूनिटिव एंड डिटेंशन इज ऑलवेज प्रिवेंटिव मतलब जब कभी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट इसका मतलब है क्राइम इज हैपेंड जब क्राइम आफ्टर द क्राइम अरेस्ट विल बी हैपेंड बट बिफोर क्राइम मतलब अभी क्राइम नहीं हुआ है एंड उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मान लो कि पुलिस को पता चला कि सपोज दैट पर्सन एक्स के पास जो है पर्सन एक्स के पास एक बम रखा हुआ या आर डी एक्स उसके पास है और तो ऐसा थोड़ी है पुलिस पहले वेट करेगा कि ये इंसान कहीं पे बम फोड़ दे उसके बाद इसे पकड़ेंगे तो इस तरह के डिटेंशन को क्राइम होने से पहले वाले डिटेंशन को हम जो हो डिटेंशन होती है जो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव दैट इज उसे डिटेंशन उस वर्ड को कहते हैं एंड यदि किसी ने मान लो किसी का मर्डर कर दिया उसके बाद यदि उसे हम अरेस्ट कर रहे हैं दैट इज नोन एज अरेस्ट और यदि आप किसी को प्रिवेंट करने के लिए उस एक्ट से अरेस्ट कर रहे हो तो दैट वर्ड इज नोन एज डिटेंशन सो आर्टिकल ट्वेंटी टू अस फंडामेंटल राइट दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस सो इस आर्टिकल ट्वेंटी टू में टोटल सेवन प्रोविजन है इस सेवन में फ्रॉम आर्टिकल वन टू थ्री हमें प्रोटेक्शन दिलाता है फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट से और यदि हमें अरेस्ट किया भी जाए तो हमारे पास सर्टेन राइट्स है जैसे कि आप जानते होंगे कि आपको ये राइट right है कि राइट टू कंसल्ट और राइट टू गेट अ फ्री लीगल एड और सपो सपोज करो कि जैसे कि मान लो आपको पुलिस ने यदि अरेस्ट किया है तो बिफोर ट्वेंटी फोर आवर जो है आपको मजिस्ट्रेट के पास वो पहुंचाएगा सो so, सर्टेन हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन है एंड आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल फोर फाइव सेवन जो है दैट गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड दिस गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन और इसी चीज़ को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन अब सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ मान लो कि स्टेट के पास क्या है सफिसियंट ग्राउंड है या सफिशियंट एविडेंस है कि पार्टिकुलर पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ क्राइम कि कोई पर्सन है वो मोस्ट प्रोबेबली है कि वो कोई क्राइम कर सकता है वो किसी पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है और थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ नेशन ऐसे केस में स्टेट क्या कर सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं रहेगा इस्टेट कैन detain डिटेन दैट इज अरेस्ट दर्सन एंड स्टॉप दैम फ्रॉम डूइंग दैट सो this says the constitution so हमारे पास हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे आपने देखा यदि आपकी अरेस्ट इसके कारण होती है प्यूनिटिव मतलब किसी का मर्डर कर दिया तो बिफोर ट्वेंटी फोर आवर यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट बट यदि यू हैव अरेस्टेड इन प्रिवेंटिव डिटेंशन तो मिनिमम जो टाइम है मतलब मैक्सिमम थ्री मंथ जो है आपको कस्टडी रखा जा सकता है एंड इसके बाद यदि थ्री मंथ से अधिक किसी पर्सन को कस्टडी में रखना हो तो उसके लिए क्या होता है एडवाइजरी बोर्ड से जो है अप्रूवल लेना होता है ये एडवाइजरी बोर्ड क्या है तो इस एडवाइजरी बोर्ड में हाईकोर्ट के जज होते हैं या अ पर्सन दैट क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट दैट पर्सन इंक्लूडेड इन एडवाइजरी बोर्ड एंड इस एडवाइजरी बोर्ड के डिसीजन के बाद उसकी डिटेंशन पीरियड को बढ़ाया जा सकता है ऑल्सो एक प्रोविजन है कि तीन मंथ से ज्यादा समय तक उसे डिटेंशन में रखने के लिए पर्सन को पार्लियामेंट ओनली ओनली पार्लियामेंट यदि चाहे तो पार्लियामेंट कोई कानून बना सकता है और बाय दैट लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन की टाइम को बढ़ाया जा सकता है जैसे एग्जाम्पल मान लो लाइक पोटा है यू ए पी ए मीन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट पोटा मीन क्या हो गया प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट टाटा है जैसे कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लाइक मीसा हो गया मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑल दीज एक्ट्स आर फॉर द सिक्योरिटी ऑफ नेशन तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है अब हम बात करते हैं कि न्यूज में क्यों है तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइल सेटलिंग असाइड डिटेंशन ऑर्डर ऑब्जर्व डैट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज आर कोलोनियल लिगेसी तो पहली बात तो ये समझते हैं कि ये इतनी मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इसकी जो लीगेसी है ना मतलब कोलोनियल है मतलब ब्रिटिश ने इसे यूज किया था फर्स्ट टाइम लाइक वन यू सी द भगत सिंह इन द जैसे कि रॉलेट एक्ट था तो रॉलेट एक्ट भी एक तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन था जो कि क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए वो एक्ट लाया गया था सो so प्रॉब्लम इसमें यह है कि मान लो इन सब केस का आपने जितना भी देखा चाहे वो यू हो चाहे वो टाडा हो चाहे वो मीसा हो इसकी कन्विक्सन रेट बहुत कम है बहुत बहुत केस में तो वन परसेंट कन्विक्सन रेट है मतलब इसमें स्टेट अपनी जो है आर्बिट्रेरी पावर को यूज करता है एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा आ, आ, देर इज़ अ मीडिया पर्सन उसने कहा था कि मणिपुर जल रहा है बस उन्होंने इतना सा ट्वीट किया था मणिपुर जल रहा है और उसे जेल में डाल दिया गया और वंस आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर तहत यदि आपको जेल में डाला गया है तो आप छः मंथ के लिए तीन मंथ के लिए आप जो है जेल में अब सरते रहो आपके पास कोई उसके पास उस उस पीरियड तक आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है सो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक जो है कॉलोनियल लिगेसी के साथ ये है एंड दिस शुड बी अप्लाई मतलब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केस जो है ओनली रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में होना चाहिए ऐसा नहीं कि यदि कोई पत्रकार ये बोल दे कि मणिपुर जल रहा है तो आप उस पर क्या कीजिए प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के जेल में बंद कर दीजिए मोर अबाउट द प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल ऐसे क्या हो रहा है यदि डिटेंशन में है ट्वेंटी फोर आवर के अंदर उसे जुडिशियरी मिलेगा वहां पे उसका ट्रायल होगा देन आफ्टर उसे जेल में रखना है तो रखा जाएगा अदरवाइज छोड़ा जाएगा बट डिटेंशन में बिना ट्रायल का आपको जेल में रखा जा रहा है सेकेंड वन इज एंड कन्विक्सन बाय कोर्ट ऑन अ मियर रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हिम दैट डूइंग एन एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर और बस इसलिए हम उसे अडेस्ट कर लिए हैं कि मे बी दिस पर्सन कैन हार्म दब्लिक ऑर्डर और डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर उसके बाद कहता है क्या इट्स पर्पज इज टू प्रिवेंट दर्सन फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस ऑब्वियसली बात है प्रॉपर पर्पज तो यही है कि वो पर पर्सन जो है कमिट नहीं करे कोई क्राइम को सो so, उसके बाद ट्वेंटी वन और ट्वेंटी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यदि कोई पर्सन को कहता है क्या कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल ट्वेंटी टू वन एंड ट्वेंटी टू टू इज नॉट एवेलेबल मतलब ये दोनों आर्टिकल में क्या प्रोविजन था कि पहली बात तो कि ट्वेंटी फोर आवर के अंदर जो उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है ये वाला राइट इसको नहीं है और टू तो गेट राइट टू तो कंसल्ट राइट टू तो फ्री लीगल एड राइट टू तो नो ऑन विच ग्राउंड उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है इसकी भी प्रोटेक्शन प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं है नेक्स्ट इज इन केस ऑफ डिफेंस फॉरन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वनली एंड वनली एंड वनली पार्लियामेंट कानून बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड कुछ एरिया ऐसी है जिसमें कि पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर भी इस पर कानून बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे और वो एरिया है इन द केस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इन केस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेस आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स विध रिस्पेक्ट टू प्रीवेंटिव टेंसन जो हमने बात किया ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू थ्री ये तीनों आर्टिकल जो है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आर्बिट्रेरी अरेस्ट ऑफ ए स्टेट आर्टिकल ट्वेंटी टू वन कहता है क्या नो पर्सन कैन बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बींग इन्फॉर्म्ड कि किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है सेकेंड कहता है क्या विद इन ट्वेंटी फोर आवर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रजेंट किया जाएगा यदि आपको अरेस्ट किया गया है एन ट्वेंटी टू थ्री कहता है एवब टू क्लाउज ये दोनों क्लाउज पे अप्लाई नहीं होगा तो यदि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रिवेंटिव डिटेंशन के वायलेशन के कारण आपको जो है क्या अरेस्ट किया गया है एंड इस केस पे ट्वेंटी टू फोर एंड ट्वेंटी टू सेवन दिज बोथ प्रोविजन वी हैव डिस्कस्ड एवब फाइनली कंक्लूजन में आप रिमार्क में कह सकते हैं इसमें कि दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है ओनली इंडिया देट इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंसन किया है इवन जो ब्रिटेन ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उस ब्रिटेन ने भी ओनली अपने, अपने कंट्री के लिए ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन एंड टू में प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को लागू किया था एंड आफ्टर दैट दे रिमूव दिस प्रोविजन बट हम इंडिया में अभी भी इसे कंटिन्यू रखे हुए हैं और प्रिवेंटिव डिटेंशन का ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय का एग्जाम्पल जैसे कि रॉलेट एक्ट 1919 एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप ये कोट कर सकते हैं कि शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कोर्ट कहती है क्या समटाइम्स स्टेट को जो है मस्ट टेक एन एक्सट्रीम स्टेट टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री अब सपोज करो कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का कहीं प्लानिंग कर रहा है तो ऐसे केस में हम उसको लाइटली नहीं ले सकते हैं सो सुप्रीम कोर्ट इस ओपिनियन में है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ठीक है एक, एक कुछ पॉइंट के लिए सही है इन ऑल्सो ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास में भी सुप्रीम कोर्ट ने ग्री, ग्रीन फ्लैग दिया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज पर्सनैलिटी राइट देखो ये क्या है न्यूज़ में क्यों है अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सनैलिटी राइट तो क्या है कि सम पीपल और यू में से कि सम एक्टर्स हैव पिकुलियर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक जैसे एग्जाम्पल कि किसी के पास है कि उसकी जो है स्टाइल ऑफ सेंग समथिंग इज़ वेरी यूनिक जिससे कि आप उसे रिकोगनाइज कर सकते हैं एज फॉर एग्जाम्पल यदि आप सुनते हो कहीं पे देवियों और सज्जनों तो आपके मन में जो फिगर जाती है वो अमिताभ बच्चन सर का वो पिक्चर आता होगा यदि कोई मित्रों बोले तो दैट यू कैन फिगर आउट दैट दिस इज द कॉपी ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे कि एक लेजेंडरी एक्टर थे बॉलीवुड uh, के जो जानी बोलते थे जो राजकुमार सर थे सो so, इस तरीके से सम एक्टर्स हैिकुलियर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी सो अ केस केम इन दिल्ली हाईकोर्ट एंड द बॉलीवुड एक्टर सेज दैट इमिटेशन ऑफ एन एक्टर द वे ही से एंड बींग कॉपीड बाय सम ऑफ दी कॉमर्शियल एंटिटीज़ फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पज मतलब क्या उनका कहना था कि हमारी तरह से इमिटेट करके वो क्या कर रहा है इसका कॉमर्शियल फ़ायदा उठाया जा रहा है एडवर्टाइज़ किया जा रहा है हमारे हमारी पर्सनैलिटी का

रेफर्स टू द राइट ऑफ अ पर्सन टू प्रोटेक्ट हीज ऑबलिक्सनैलिटी अंडर राइट टू प्राइवेसी एंड प्रोपर्टी तो दो जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर में पर्सनैलिटी राइट right को प्रोटेक्ट किया गया है वन इज राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन आफ्टर के एस पुट्टा स्वामी जजमेंट एंड अनदर वन इज राइट टू प्रोपर्टी दैट इज आर्टिकल थ्री हंड्रेड वन ए सो जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट right की तो इट इंक्लूड्स किसी का नेम हो वेदर इट इज़ वॉइस हो सिग्नेचर हो इमेज हो इसे ट्रीट किया जाएगा एज अ पर्सनैलिटी राइट एंड इट इज आइडेंटिफाइड एज द मार्कर्स ऑफ पर्सनैलिटी मतलब यदि देवियों और सज्जनों हैं सो यू कैन रेफर इट इट इज द मार्क ऑफ अमिताभ बच्चन सो पर्सनैलिटी राइट इन इंडिया की क्या लीगल सेंटिटी है तो पर्सनैलिटी राइट्स और देयर प्रोटेक्शन आर नॉट एक्सप्रेसली मैंसन इन एनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बट आप इसे जो है ट्रेस कर सकते हैं अंडर राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रोपर्टी और टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी राइट है जो मैंने अभी बात किया ऊपर एक तो राइट टू पब्लिसिटी एंड राइट टू प्राइवेसी तो राइट टू पब्लिसिटी के अंदर राइट टू कीप वंस इमेज एंड लाइक लाइकनेस फ्रॉम बींग कॉमर्शियली एक्सप्लाइटेड विदाउट परमिशन तो यदि कोई चाहता है कि उसे कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट नहीं किया जाए यदि उसकी विल नहीं है तो आप उसको नहीं कर सकते हो उस पब्लिक फिगर की इमेज उसकी वॉइस उसको कॉपी उसको इमिटेट नहीं कर सकते हो सेकेंड वन इज राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत जो कि जस्टिस के एस पोटास्वामी ने कहा था आर्टिकल ट्वेंटी वन तो राइट टू नॉट हैसनैलिटी रिप्रेजेंट पब्लिकली विदाउट परमिशन बिना किसी परमिशन के आप किसी को प्रजेंट नहीं कर सकते हो यह ऑल्सो आप इसको अनदर वे में रिलेट कर सकते हैं जैसे अभी आप बहुत सारे मीम देखते होंगे कि फेमस फेमस पर्सनैलिटी के आवाज में सो so, तो आप क्या कर रहे हैं विदाउट उसके कंसेंट के आप उसको इमिटेट करके उससे उसके रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं एंड यू आर अर्निंग सो एंड ऑल्सो सम राइट्स पोस्टमसली पर्सनैलिटी राइट जैसे कि मान लो इम्ब्लेम है एंड नेम्स प्रिवेंसन ऑफ इम्प्रोपर यूज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के तहत कई तरह की जो सिम्बॉल्स हैं नेम्स हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो द एम्ब्लम ऑफ इंडिया दैट इज अशोक स्तंभ आप उसे यूज नहीं कर सकते हो बिकॉज देट आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट एंड ऑल्सो अंडर द आई पी सी यदि आप क्या करते हो इफ निगेटिव रेफरेंस और डेरोगेटरी रिप्रेजेंटेशन करते हो किसी के खिलाफ सो दे कैन फाइल अ डिफामेशन सूट आपके खिलाफ वो केस कर सकता है डिफामेशन का कैन बी फाइल्ड अंडर द इंडियन पिनल को पर्सनैलिटी राइट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर सम इंटरनेशनल कन्वेंशन यहाँ पे सिर्फ आपको नाम याद रखना है मे बी इन ऑब्जेक्टिव यू पी एस सी आस्ट यू कैन क्लेरिफाई अंडर रोम कन्वेंशन ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रिटी इन तीनों एक्ट में जो है इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी पर्सनैलिटी राइट right को कंजर्व करके रखता है एंड वन सुप्रीम कोर्ट फेमस केस इन द साक्षी मलिक वर्सेज वेंकटेश्वर क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स केस ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है क्या यूजिंग एनदर्स इमेज एंड मोस्ट स्पेशली अ प्राइवेट इमेज

स्पीच दैट इज मेड विद द इंटेंसन टू ट्राई टू क्रिएट के ऑस एंड डिसऑर्डर इन द सोसाइटी इज नोन एज हेट स्पीच रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ सालों से हेट स्पीच का एक ट्रेंड चलते आ रहा है लाइक like जैसे कि हरिद्वार धर्म संसद का आपने स्टेटमेंट सुना था लाइक like साध्वी प्रज्ञा का स्टेटमेंट सो so, ऐसे बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के सामने नजर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेस uh, दिया है देट इज़ दी नीट फोर स्टेक होल्डर टू फाइंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ हेट स्पीच ऑब्स बात है यहाँ पे स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को करना है कि आप एक कंक्रीट लॉ लेके आइए जो कि हेट स्पीच से रिलेटेड इसको कम किया जाए इसको खत्म किया जाए तो हेट स्पीच क्या होता है हेट स्पीच हैज़ नॉट बिन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया किसी भी लॉ में यह डिफाइन नहीं है कि हेट स्पीच होता क्या है तो ये वर्ड यहाँ से बहुत ध्यान में रखनी है नॉट डिफाइंड इन तो प्रिलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है हेट स्पीच इज डि हेट स्पीच इज डिजाइंड इन इन लॉ ऑफ इंडिया सो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है नॉट बिन डिफाइंड उसके बाद हेड स्पीच जनरली रेफर्स टू द इंसाइटमेंट टू हेटर्ड हेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है किसी पर्टिकुलर कास्ट हो सकता है किसी पार्टिकुलर रिलीजियन हो सकता है हेट स्पीच कैन बी कन्वेड थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ये किसी भी तरह से हो सकता है मे बी इमेज कार्टून मीम्स ऑब्जेक्ट जेस्टर सिम्बॉल के थ्रू और इट मे बी डेसिमिनेटेड थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या क्या रेगुलेशंस प्रेजेंटली है डायरेक्टली नॉट डिफाइंड है हेट स्पीच बट हमारे पास क्या रेगुलेशन है जो कि हेट स्पीच को करटेल कहीं ना कहीं करता है तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट्स एल्फ देट इज़ अंडर नाइनटीन टू एज यू नो दैट कि आर्टिकल नाइनटीन जो है आर्टिकल नाइनटीन हमें प्रोवाइड करता है विट अ सेकेंड आर्टिकल नाइनटीन गिव्स अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टोटल आर्टिकल नाइनटीन हैज़ टू ग्रुप्स लाइक यू कैन डिवाइड आर्टिकल नाइनटीन एज नाइनटीन वन एंड वन में इसमें टोटल सिक्स आर्टिकल हैं फ्रॉम ए टू जी एंड आर्टिकल नाइन्टीन टू क्या कहता है आर्टिकल ए कहता है क्या यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके बाद क्या है राइट टू पीसफुल असेंबल हो सकते हैं आप उसके बाद है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर उसके बाद है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया देन आफ्टर राइट टू डिसाइड और सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया देन आफ्टर राइट टू ऑक्युपेशन एंड इसी में एक और था राइट टू प्रॉपर्टी वो डिलीटेड हो चुका है तो ये सिक्स राइट right हमें कन्फर करता है बट ये हर एक राइट टोटल सिक्स का सिक्स अपने साथ एक लिमिटेशन से लेके आ सकता है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे सकते हो सो so, इसका जैसे कि आर्टिकल नाइनटीन वन ए का रिस्ट्रिकस कहाँ मिलेगा आपको नाइनटीन टू में आर्टिकल नाइनटीन वन बी का जो है इसका जो है क्या लिमिटेशन कहाँ मिलेगा तो आर्टिकल नाइनटीन थ्री में इस तरीके से रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट पे लगाता है आर्टिकल नाइनटीन टू आपके स्पीच पे एक तरह से कि अब आप स्पीच बोल रहे हो तो किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो सो so, तो एक तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल राइट right में ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हेट स्पीच को कहीं ना कहीं ये कर्व करता है सेकेंड रिसेंटली वी हैव फॉर्मुलेटेड भारतीय न्याय संहिता हमारे पास पहले आईपीसी हुआ करता था बट अब अब आईपीसी का एक तरह से समझिए देहांत हो चुका है खत्म हो चुका है अब उसके जगह पे हमने इंट्रोड्यूस किया भारतीय न्याय संहिता ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसमें सेक्शन वन सिक्स सेक्शन टू नाइन नाइन एंड सेक्शन थ्री फिफ्टी थ्री सब सेक्शन वन एंड टू डिफाइन करता है और कहीं ना कहीं पीनालाइज करता है हेट स्पीच को जो सेक्शन वन है वो सेम प्रोविजंस पहले हुआ करता था सेक्शन वन फिफ्टी थ्री ए ऑफ आई पी सी एंड सेक्शन टू नाइन्टी नाइन इज सेम जो कि आई पी सी का टू नाइन्टी फाइव ए में हुआ करता था यह प्रोविजन क्या कहता है सेक्शन वन नाइन्टी सिक्स वन ऑफ भारतीय न्याय संहिता कहता है क्या कि पिनलाइज किया जाएगा यदि कोई पर्सन प्रमोट करता है इनमिटी इनमिटी मिन शत्रुता दुश्मनी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप सो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 196 ऑन सिक्स ऑन ऑफ किस ग्राउंड पे रिलीजियन के नाम पे मान लो धार्मिक उन्माद फैलाता है रेस के नाम पे प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है रेसिडेंस हो सकता है लैंग्वेज हो सकता है सेक्शन 299 नाइन्टी डिफाइन्स पनिशमेंट फॉर दी डेलिब्रेट जान बुझ के मेलसियस एक्ट करते हो टू आउट दी रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पार्टिकुलर कम्युनिटी किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को कुछ बोल दिया तो वैसे केस में यू विल बी पनिस्ड अंडर सेक्शन टू नाइन्टी नाइन एंड देन आर्टिक सेक्शन थ्री फिफ्टी थ्री वन एंड टू जिसमें कि ये कहता है एंड दिस इज़ यूनिक प्रोविजन आपको ये ध्यान में रखना है पहली बार जो कि जो प्रोविज़न आई में नहीं था वो कुछ यूनिक टाइप ऑफ प्रोविजन हमने भारतीय न्याय संहिता में डाला है वो क्या है कि ये आपको पिनलाइज करता है फॉर दी पब्लिकेशन और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट और वो रियूमर हो सकता है या कोई रिपोर्ट हो सकता है कॉजिंग पब्लिक पब्लिक मिसचीफ एंड इनविटी मतलब लाइक जस्ट लाइक यू कैन से दैट कि फेक न्यूज के लिए अभी तक कोई हमारे पास प्रॉपर सेक्शन नहीं था बट ये सेक्शन ये कहता है कि मान लो कोई र्यूमर को फैला के आप जो है क्या करना चाहते हो पब्लिक पीस को बिगाड़ रहे हो तो यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन थ्री फिफ्टी थ्री ऑफ क्लास वन एंड टू उसके बाद और कहीं पे हेट स्पीच को हेड स्पीच के लिए रेगुलेशन है तो हाँ एक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. वी हैव आरपीए आरपीए जनरली किस लिए है तो ये आरपीए हमारे एम एंड एम के लिए है उसके लिए सर्टेन लिमिटेशंस uh, लाता है सो so, इस आर में ये फैसिलिटी है कि मान लो कोई लीडर uh, जो है वो क्या करता है क्या uh, आपको इंडल्ज होता है ऐसे एक्ट में दैट इज दैट इज इलिजिमिटेड टू यूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या सपोज करो कोई लीडर है वो कहीं पे पार्टिकुलर रिलीजियन के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा है तो ऐसे केस में यदि इलेक्शन कमीशन को पता चले तो इलेक्शन कमीशन उसे क्या किया जाएगा उसे डिसक्वालीफाई कर देगा एंड दैट पर्सन कांट बी एम पी और एमएलए फर्दर आफ्टर द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसके बाद सेक्शन 123 एंड सेक्शन 125 ट्वेंटी फाइव प्रोहिबिट्स दी प्रमोशन ऑफ इनमिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन रेस कास्ट कम्युनिटी और विथ एलेक्शन एज अ करप्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस यदि मान लो कोई एम पी एम एल ए होता है इस मामले में यदि वो इनमिटी फैला रहा है शत्रुता फैला रहा है बिट्वीन रिलीजियन और इलेक्शन कमीशन को पता चलता है सो देट पर्सन विल बी रिमूव फ्रॉम करंट लेजिस्लेटिव असेंबली और करेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट में भी इसके खिलाफ प्रोटेक्शन है सिविल राइट एक्ट को ही पहले बोला जाता था एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट इसका नाम बदला हम लोगों ने चेंज किया एंड राइट नाउ इट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसके सेक्शन सेवन में पीनालाइज करता है यदि आप कहीं पे भी अनटचेबिलिटी परफॉर्म करते हो सो यू विल बी पीनालाइज एंड आफ्टर दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज एक्ट नाइनटीन एटी एट का सेक्शन थ्री जी कहता है क्या यदि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को गलत चीज प्रमोट करने के लिए डिसहारमोनी प्रमोट करने के लिए करते हो सो यू विल बी पीनालाइज सो दैट एंड्स हेट स्पीच आर्टिकल एंड दी नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट 1991. अभी ये बहुत जबरदस्त धरल्ले में ये न्यूज़ में रहा प्लेसेज ऑफ वर्सिप एक्ट 1991. नाइन्टी कहाँ आपने सुना होगा इसे तो लाइक कृष्ण जन्मभूमि केस आफ्टर बाबरी मस्जिद ये काफ़ी न्यूज़ में रहा ये जहाँ पे कि अभी एक्चुअली हमने राम मंदिर भी बनाया और अभी डिमांड हो रहा है क्या जो काशी में ज्ञान व्यापी मॉस्क है तो उससे रिलेटेड ये न्यूज में काफी रहा तो क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? इसे थोड़ी समझते हैं देखो इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था इन दी वी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इस एक्ट में ये प्रोविजंस क्या क्या है उसको समझते हैं पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट नाइनटीन और ये लाया क्यों गया था तो वंस पी वी नरसिम्हा राव सीन देट की एक तो बाबरी मस्जिद वाला मैटर चल रहा है अब यदि इस तरह से गड़े मुर्दे को उखाड़ने लगे हम लोग तो क्या होगा कि हर जगह पे चूंकि इंडिया की जिस तरह से इंडिया की जो पास्ट रही है तो उसमें क्या होगा कि फिर हर जगह इनमिटीज ही फैल जाएगी हर ग्रुप ऑफ सेक्शन जो है आपस में लड़ेंगे कि ये पहले मंदिर था या मस्जिद था तो इस चीज़ की लड़ाई को रोकी जाए जो हो गया सो हो गया नाउ वी हैव टू मूव फर्दर फर्दर सो पी वी नरसिम्हा राव इंट्रोड्यूस्ड प्लेसेस ऑफ वर्सिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 और ये एक्ट डिक्लेयर करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्सिप सेल कंटिन्यू बी द सेम एज इट वाज़ ऑन अगस्त 15 1947 मतलब कोई जगह मंदिर है या मस्जिद है यदि 1947 तक जो इसका डेजिग्नेशन है दर इट इज मंदिर और मस्जिद भले ही उसके बाद कुछ भी पता चले बट ये मंदिर ही रहेगा यदि फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले तक जो इसकी स्टेटस थी सेम रहेगी तो फिर आपके मन में चला होगा कि तो फिर तो इसके बाद हुआ था, तो वो एक्सेप्सन था इट इज एक्सेप्शन नेक्स्ट कहता है क्या इट सेज नो पर्सन सेल्फ कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्सिप ऑफ एनी रिलीजियस डोमिनेशन इन टू वन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेट मतलब यदि कोई मान लो पार्टिकुलर मंदिर है तो उसको कोई भी पर्सन मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकता है ये था सेकेंड प्रोविजन एंड थर्ड वन इज इट ऑल्सो इम्पोज अ पॉजिटिव ऑब्लिकेशन ऑन द स्टेट टू मेंटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्सिप एज इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तो कहता है क्या ये स्टेट की ड्यूटी बनती है कि जो चीज़ का जो डिनोमिनेसन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था वो बना रहे उसकी कैरेक्टर ओढ़े नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद कहा बट लेकिन जिस मंदिर मस्जिद से रिलेटेड केस जो है वो मान लो कोर्ट में क्या है कि कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही है दैट आर

डिस्पोज ऑफ और जो भी इस तरह मान लो कि कोई डिस्प्यूट है फाइनली सेटल्ड हो चुका है उसे भी हम इस परव्यू से इस एक्ट के बियॉन्ड रखेंगे और एनी कन्वर्जन ऑफ एनी सच प्लेस इफेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्विजिशन मतलब अब मान लो कि कोई ऐसा हुआ हो सपोज दैट कि पार्टिकुलर एक जो है वो मान लो पहले मस्जिद थी इसको ब्रेक करके मंदिर बना लिया गया कब जो इस एक्ट के आने से पहले ये एक्ट कब आया था 1991 में सपोज करो ये हुआ होगा नाइनटीन uh, एटी में तो बिकॉज ये एक्ट इसके इंप्लीमेंटेशन से पहले हुआ है तो अब ऐसा नहीं करेंगे इसके स्टेटस को फिर से वापस करेंगे जो जैसा है इस एक्ट के बनने से पहले तक वो वैसा ही रहेगा उसको भी कुछ नहीं करना उसके बाद इसमें पेनल्टी भी रखा गया कि सेक्शन सिक्स ऑफ दिस एक्ट प्रिस्क्राइब्स अ पनिशमेंट ऑफ मैक्सिमम थ्री ईयर्स एम्प्रिजमेंट एलोंग विथ अ फाइन फॉर कॉन्ट्रावेनिंग द प्रोविजन्स ऑफ दिस एक्ट यदि कोई इस एक्ट को नहीं मानेगा तो क्या किया जाएगा उसको मिनिमम थ्री ईयर्स का पनिशमेंट प्लस फाइन उसे दिया जाए उससे लिया जाएगा सो दिस कवर्स आवर ऑल दी लॉन्ग आर्टिकल्स ऑफ दिस सेक्शन इसके बाद कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है टूडे हम लोग एक दो न्यूज़ ही कवर करेंगे इसके बाद रिमेनिंग लेक्चर में कवर करेंगे इसे सो आफ्टर दैट द न्यूज केम्स फ्रॉम एट्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में पहली बात तो ये एट्थ शेड्यूल क्यों है तो उड़ीसा कैबिनेट ने प्रपोज किया कि क्वी लैंग्वेज को एर्थ शेड्यूल में मिला जाए बट इसके पीछे स्टोरी इस क्या थी तो देखो क्वी इज़ अ ट्राइब तो हो क्या रहा है कि एज यू नो दैट हमारे इंडिया में जो है न्यूमरस लैंग्वेज ऑफ इंडिया न्यूमरस लैंग्वेज इंडिया में एग्जिस्ट करता था लोग उसे बोलते थे बट अनफॉर्चुनेटली दे दी ओल्ड लैंग्वेजेस आर ऑन द एस्टिंक्ट ऑफ वर्ड्स वो ख़त्म होने के कगार पे हैं सो पीपल ऑफ उड़ीसा खास करके जो ये क्वी ट्राइब्स हैं इन्होंने क्या किया इन्होंने एक एफर्ट किया कि मान लो ये डेली क्या करता कि मान लो जितना भी ये ग्रेन आज के खाने के लिए मान लो निकाला उसमें से सम पोर्शन ऑफ ग्रेन को वो सेपरेट करके अलग कर देता और उस ग्रेन को सम वॉलेंटियर्स ऑफ दैट सोसाइटी कलेक्ट करता हर घर 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 जाके और कलेक्ट करने के बाद इसे सोल्ड करता सोल्ड बेचने के बाद जो पैसा होता ये पैसा उस टीचर को सैलरी के रूप में दिया जाता जो टीचर कोई लैंग्वेज को पढ़ा रहा था उसके कम्युनिटी में सो so यह बात जब उड़ीसा गवर्नमेंट को पता चली सो so उड़ीसा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोज किया कि हमारा जो ये कुई लैंग्वेज है इसे एर्थ शेड्यूल में डाल दीजिए तो आपके मन में चल रहा होगा कि एर्थ शेड्यूल में डालने से क्या फ़ायदा होता है इसकी बेनिफिट की हम बात करते हैं पहले ये समझ लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एर्ट्थ शेड्यूल में टोटल ट्वेंटी टू लैंग्वेज है ओरिजिनली फोर्टीन लैंग्वेज था उसके बाद हमने सिंधी को ऐड किया देन आफ्टर कोंकणी मणिपुरी नेपाली एंड आफ्टर दैट संथाली डोगरी मैथिली एंड बोडो टोटल मिला के हमारे पास ट्वेंटी टू लैंग्वेज है इन द शेड्यूल्ड ऑफ एट राइट नाउ अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल एट लैंग्वेज सो यदि कोई लैंग्वेज शेड्यूल एट में होता है तो गवर्नमेंट से उसे एड असिस्टेंस मिलती है सपोर्ट मिलती है सो फर्स्ट बेनिफिट सेकेंड इज साहित्य एकेडमी के द्वारा इसे रिकॉग्निशन मिलता है जो लैंग्वेज आपको एट्थ सेड्यूल्ड में है थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट यदि ये लैंग्वेज एटथ शेड्यूल में है तो यू कैन यूज दिस इन द असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट नॉट वी एंड यू कैन यूज बट द एम पी एंड एम एल ए कैन यूज़ एंड डिबेट एंड डिस्कस ऑन दिस लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट नेक्स्ट इज कैन बी यूज ऑल इंडिया कंपिटेटिव एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट सपोज करो यूपीएससी एग्ज़ाम देनी है तो आपका ओरिजिनल लैंग्वेज में आप जो है क्या यदि आपका एर्थ शेड्यूल वाली है तो आप यूपीएससी एग्जामिनेशन इसमें दे सकते हैं नेक्स्ट वन इज आर बी आई टू इंक्लूड इट इन द करेंसी नोट जो आप करेंसी में देखते हो हर एक लैंग्वेज लिखा रहता है तो आर बी आई क्या करेगा जो एट सेड्यूल्ड में उस लैंग्वेज को करेंसी के डिनोमिनेशन में लिखेगा सो so, ये कुछ बेनिफिट्स था सो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग जो है फर्दर कंप्लीट करेंगे सो so, अब तक के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में